IBN 7 Horsefly. तारीख थी 13 सितंबर, ज्यादा दिन नहीं हुए, साल था 2013, अब से सिर्फ 14 महीने पहले देश को मिलने वाली थी एक बड़ी कामयाबी। ये कामयाबी सैकड़ों हिंदुस्तानियों की मौत का बदला होती, भारत के सबसे बड़े सिरदर्द का सफाया होता। नौ जाबाज, सामने था मिशन इम्पॉसिबल, नौ बहादुरों की टीम अपने लक्ष्य के करीब थी, बेहद करीब। लक्ष्य था दीप भाई, चलता फिरता प्रेत, वो इंसान जिसे सालों से किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसका एहसास हमेशा महसूस हुआ। अंडरवर्ल्ड को चलाने वाला, ड्रग्स, हथियारों और नकली करेंसी का सबसे बड़ा स्मगलर दाऊद इब्राहिम। आईबीएन 7 पर आप देखने वाले हैं देश का सबसे बड़ा खुफिया मिशन। किसे दी गई थी दाऊद को मारने की जिम्मेदारी? कौन थे वो सरकारी कंपनी के 9 सुपर बॉयज? कैसे दाऊद की जान जाती इससे पहले ही बजी फोन की घंटी? आखिर कैसे एक फोन ने बचा लिया भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम को? आखिर कैसे दाऊद इब्राहिम के इतने करीब तक पहुंच गए 9 हिंदुस्तानी? भारत के मोस्ट वांटेड माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम की अभी तक की जिंदगी के वो सच जो कोई नहीं जानता, उसके नकली नाम, नकली पते, नकली मुखौटे, उसके शौक, अय्याशी और दिल फेक आशिकी। आईबीएन 7 की सबसे बड़ी पड़ताल, 2014 का सबसे बड़ा खुलासा, देखिए आईबीएन 7 वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ऑपरेशन किल दाऊद। जी हाँ, हम आपको सबसे पहले बता दें कि इस वक्त आईबीएन 7 पर आप वर्ल्ड एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। ये जानकारी पहली बार सामने आ रही है, इसीलिए इस कार्यक्रम में बड़े ध्यान से हमारे साथ अगले 2 घंटे तक जरूर जुड़े रहिएगा। अंडरवर्ल्ड ऑन दाऊद इब्राहिम का नाम शायद भारत का बच्चा बच्चा अब जानता है, लेकिन वो इस नाम को सुनकर खुश नहीं होता, बल्कि उसे चिढ़, गुस्सा और शायद घृणा होती है दाऊद इब्राहिम के नाम से, क्योंकि यह इंसान सालों से भारतीय होकर भी भारत के कानून को छल रहा है। ये कहने को तो हिंदुस्तानी है, लेकिन 1993 के मुंबई बम धमाकों की साजिश में शामिल होकर उसने हिंदुस्तानी होने का हक गवा दिया है। आज की तारीख में यह भारत का, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में ही मारने की सबसे बड़ी योजना। जी हां, दाऊद इब्राहिम को मारने की, दाऊद इब्राहिम मारने नहीं जा रहा किसी को, दाऊद इब्राहिम को मारने की पाकिस्तान में रची गई थी सबसे बड़ी योजना, वो योजना जिसे सूत्रों के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने रचा था। जी हां, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ ने ये पूरा खेल तैयार किया था दाऊद इब्राहिम को पकड़ने को लेकर। जब 9 भारतीय जाबाज दाऊद को मारने कराची पहुंचा दिए गए थे, देखिए आईबीएन 7 की ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ऑपरेशन किल दाऊद। तारीख 13 सितंबर 2013, जगह कराची का क्लिफ्टन रोड, वक्त शाम के 4 बजे से 6 बजे के बीच का कोई भी वक्त। सब कुछ तय था, प्लान फुल प्रूफ बना था। रोज की तरह कराची के क्लिफ्टन रोड पर मौजूद एक बंगले से 2 गाड़ियां बाहर निकली, एक थी मर्सिडीज एस क्लास, दूसरी लैंड क्रूजर। दोनों ही गाड़ियों को यहां से कुछ ही किलोमीटर दूर डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद रिटायर्ड फौजी अफसरों की मेस तक जाना था। जानते हैं इन दोनों गाड़ियों में से एक गाड़ी में कौन था? दाऊद इब्राहिम था, भारत का दुश्मन नंबर 1, मुंबई के 93 धमाकों का मास्टरमाइंड। आईबीएन 7 आपको पुख्ता सूत्रों के आधार पर ऑपरेशन किल दाऊद की पूरी कहानी सुना रहा है। इस ऑपरेशन की प्लानिंग पिछले साल 13 सितंबर को की गई थी और इसके लिए चुने गए थे रॉ के 9 जाबाज एजेंट को। 13 सितंबर को ठीक 3 बजे इन 9 एजेंटों के सामने से ही अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम गुजर रहा था।
वो उस डिफेंस हाउसिंग कॉलोनी जा रहा था जहां वो अक्सर जाया करता था। सूत्रों के मुताबिक भारत की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी रॉ के ये 9 जाबाज एजेंट दुनिया भर से इकट्ठे किए गए थे। इन्हें सुपर बॉय के नाम से जाना जा रहा था। सुपर बॉयज पर जिम्मेदारी थी दाऊद इब्राहिम को खत्म करने की, उसे उसके अंजाम तक पहुंचाने की और ये साबित करने की कि दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान ने पनाह दी रखी थी और उसी की पनाह में उसे मौत के घाट उतार दिया गया। सूत्रों के मुताबिक सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा था, लेकिन कई बार प्लान आगे नहीं बढ़ पाता। शायद दाऊद को अभी जिंदा रहना था। उसकी गाड़ी कराची की सड़कों पर आगे बढ़ती जा रही थी और भारत के 9 सुपर बॉयज ताक में बैठे थे, घात लगाकर बैठे थे। प्लान के मुताबिक सब कुछ ठीक होता तो 13 सितंबर 2013 डबल डॉन दाऊद इब्राहिम के लिए आखिरी दिन साबित होता। अब सवाल यह कि आखिर इन एजेंटों के सामने अगर दाऊद सामने था तो आखिर इन लोगों की बंदूकों से गोलियां क्यों नहीं निकली? इन एजेंटों ने उस दाऊद का खात्मा क्यों नहीं कर दिया जो अब तक देश के खिलाफ लगातार साजिश रचता रहा है? उस दाऊद का खात्मा क्यों नहीं कर दिया जो देश का सबसे बड़ा दुश्मन है? ऑपरेशन किल दाऊद, जी हां, सुपर बॉयज, 9 सुपर बॉयज की टीम थी ये, ऑपरेशन किल दाऊद इसको नाम दिया गया था। और दाऊद इब्राहिम तक पहली बार ऐसा हुआ बीते करीब 20 सालों में जब रॉ के लोग, हमारी अपनी एजेंसी के लोग, बिल्कुल दाऊद इब्राहिम तक पहुंच गए थे। उसके आगे की क्या कहानी है ये इस कार्यक्रम में अभी आपको सुनने को मिलेगा। निशात शमसी के सही मेरे सहयोगी हैं, उन्होंने इस रिपोर्ट को फाइल किया है। दाऊद इब्राहिम को मारना था, सूत्रों के मुताबिक इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने इस काम में भारतीय एजेंसी रॉ की मदद भी की थी। दाऊद का पता लगाने और फिर उसे मारने के लिए रॉ के 9 एजेंट्स को खास तौर पर मोसाद ने ही ट्रेनिंग दी थी। इतना ही नहीं, दुश्मन गैंग के लोगों से भी खास जानकारियां इकट्ठा की गई थी दाऊद के बारे में 13 सितंबर के ऑपरेशन के लिए। जहां 13 सितंबर 2013 के इस ऑपरेशन के लिए महीनों रॉ के 9 एजेंट्स ने तैयारी की और अब जबकि वो दाऊद के बेहद करीब थे, उसकी जान लेने ही वाले थे, क्या होता है आगे? जारी है आईबीएन 7 की यह सबसे बड़ी पड़ताल, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ऑपरेशन किल दाऊद। ऑपरेशन किल दाऊद, दाऊद को मारना था। काम आसान नहीं था। पाकिस्तानी फौज और बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई की पनाह में कराची दाऊद इब्राहिम के लिए स्वर्ग जैसा था। तमाम ऐशो आराम, कई बंगले, नौकर चाकर। एक बंगले में दाऊद रहता था तो दूसरे में उसका परिवार, कुछ और बंगलों में उसके भाई। पाकिस्तानी सेना और नेताओं को ड्रग्स, हथियार और तमाम दूसरे अवैध धंधों के जरिए होने वाली कमाई का हिस्सा पहुंचाता है दाऊद। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी से कम नहीं है दाऊद। पाकिस्तान का ताकतवर तबका इसीलिए दाऊद को पनाह देता है, सुरक्षा देता है, तो दाऊद बदले में दौलत और अय्याशी। जीते जी दाऊद का हाथ आना लगभग नामुमकिन था, सो उसे मुर्दा बनाकर छोड़ देने में ही भलाई थी। यही इस मिशन का टारगेट था। दाऊद के मौत का प्लान तो काफी पहले ही बन चुका था, लेकिन सवाल यह था कि आखिर इसे कैसे अमली जामा पहनाया जाए, दाऊद के 3 चरणों की सुरक्षा में कैसे सेन लगाया जाए और कैसे उसके इतने पास पहुंचा जाए कि गोलियां सीधे उसके सीने में लगे और वो वहीं पे मारा जाए, कहीं भी चूक की कोई गुंजाइश ना हो। आईबीएन 7 को खुफिया सूत्रों से मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक रॉ ने ऑपरेशन किल दाऊद के लिए इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से मदद मांगी। खुफिया सूत्रों के मुताबिक मोसाद और रॉ इस मिशन को सफल बनाने के लिए एक साथ काम करने को तैयार हुए। भारत में बड़े अफसरों को इसकी निगरानी का जिम्मा दिया गया। भारत के सामने अमेरिका का ऑपरेशन ओसामा बिन लादेन मिसाल के लिए था। खुफिया सूत्रों की मानी जाए तो अधिकारियों ने तय किया कि जैसे छापामार तरीके से ओसामा बिन लादेन को मार गिराया गया, ठीक वैसे ही दाऊद इब्राहिम को भी मार गिराया जाएगा। लेकिन सवाल ये, आखिर दाऊद मिलेगा कहाँ? वैसे भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई लगातार दाऊद के ठिकाने बदलती रहती थी। आईबीएन 7 को मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक पिछले साल 2013 में इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए रॉ ने दुनिया भर से अपने 9 एजेंटों को छांटा, फिर दाऊद के दुश्मनों से दोस्ती बढ़ाई और डबल एजेंटों से मिलकर दाऊद से जुड़ी हर जानकारी जुटाई। फिर इस पूरे ऑपरेशन में जुटे रॉ के 9 एजेंटों को एक कोड नेम दिया गया, सुपर बॉय का। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने इन 9 लोगों को एक खास तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए खास ट्रेनिंग दी।
ऑपरेशन का मकसद सिर्फ एक, दाऊद को गोली मारो और गुम हो जाओ, किसी के हाथ न लगो, यानी हिट एंड फ्ली। उधर मार्च 2013 से ही कराची में दाऊद की निगरानी का बेहद मुश्किल और जोखिम भरा काम शुरू कर दिया गया। खुफिया एजेंट्स लगातार दाऊद के हर एक कदम पर नजर रखने लगे। दाऊद कब कहां रहता है, उसके कितने घरों में से कब कौन सी गाड़ियां आती और जाती हैं, वो कहां आता जाता है, किससे मिलता है और उसके यहां कौन आता है। दाऊद का हर पल खुफिया एजेंसियों की नजरों में था। इसी रेकी में खुफिया एजेंट्स को एक खास पैटर्न का पता चला। हर शाम 4 से 6 बजे के बीच दाऊद कहीं जाता था, 2 घंटे के लिए कहीं गुम हो जाता था, उसकी शामें कहीं और बीतती थी। सूत्रों के मुताबिक शाम 4 से 6 बजे के बीच ही दाऊद पर हमले का वक्त तय किया गया। इसी वक्त अंजाम दिया जाएगा ऑपरेशन किल दाऊद। सुना आपने, देखा आपने हमारे इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में किस तरीके से पूरी प्लानिंग की गई थी रॉ के द्वारा मुस्ताद की मदद से दाऊद तक पहुंचने की। दाऊद दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादियों की सूची में भी इसका नाम शामिल है। सबसे खतरनाक अंडरवर्ल्ड डॉन इस वक्त जो जिंदा है दुनिया में, जो कि पाकिस्तान में बताया जाता है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले परिचय कराता हूं आपका, इस पूरी चर्चा को भी आगे बढ़ाऊंगा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रक्षा विशेषज्ञ आलोक बंसल साहब, सर आपका स्वागत है। साथ ही पूर्व पुलिस कमिश्नर अरुण भगत भी मेरे साथ जुड़ेंगे। वरिष्ठ खोजी पत्रकार इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एस बालाकृष्णन भी मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और साथ ही मुंबई से मेरे सहयोगी निषाद शमसी जो ये रिपोर्ट लेके आए हैं, और आलोक वर्मा दिल्ली में जिनके पास इस कहानी के आगे की कहानी है कि दरअसल क्या हुआ था। दोनों सहयोगियों के पास भी चलेंगे, मेहमानों के पास भी चलेंगे, लेकिन उसके पहले एक और महत्वपूर्ण कड़ी इस सिलसिले में आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के कराची शहर में मौजूद भारतीय खुफिया एजेंसी के एजेंट्स ने दाऊद की कई तस्वीरें खींच ली थी, उसका वीडियो भी बनाया गया था ताकि कहीं कोई गफलत ना हो, क्योंकि बार बार यह कहा गया कि दाऊद अपनी पहचान बदल चुका है। किसी भी गलती से बचने के लिए उसके वीडियोज, उसकी फोटोज इकट्ठी कर ली गई हैं ताकि दाऊद की सही पहचान हो और उसे ही मारा जाए, किसी और पर यह हमला ना हो। आखिरकार ऑपरेशन की वो तारीख आ गई, 13 सितंबर 2013। यह दाऊद का इस धरती पर आखिरी दिन होने वाला था, दाऊद मारा जाने वाला था। वो हर शाम 4 से 6 बजे के बीच में एक खास जगह पर जाता था जिसकी मॉनिटरिंग, जिसके बारे में एक एक चीज की जानकारी इन एजेंट्स को मिल चुकी थी, जिनका नाम सुपर बॉयज रखा गया। और इसी रास्ते में एक दरगाह के आसपास उस पर यह जानलेवा हमला होना था। देखिए सूत्रों से मिली जानकारी पर आधारित मेरे सहयोगी निषाद शमसी की यह खास रिपोर्ट। सितंबर 2013, दाऊद को मारने का दिन, जब भारत के खिलाफ गहरी साजिशों, अंडरवर्ल्ड की बपौती और स्मगलिंग के धंधे का शायद खात्मा हो जाता। सूत्रों के मुताबिक 13 सितंबर को कराची में दाऊद को मारने के लिए रॉ के 9 सुपर बॉयज पहुंच चुके थे। खुफिया सूत्रों का कहना है कि इन सभी को सूडान, नेपाल और बांग्लादेश के पासपोर्ट के जरिए कराची तक पहुंचाया गया था ताकि शक की कोई गुंजाइश न बचे। इन्हें हथियार भी कराची में ही मुहैया करवाए गए। मोसाद से ट्रेनिंग ले चुके भारत के 9 सुपर बॉयज हथियारों से लैस होकर पूरी तरह तैयार थे मिशन दाऊद के लिए। इन सबके पास दाऊद का हुलिया और एक खास वीडियो मौजूद था, वो वीडियो जिसे दाऊद की जासूसी के दौरान तैयार किया गया था ताकि गोली दागते वक्त दाऊद की पहचान में कोई भी गलती न हो। सूत्रों के मुताबिक वो वीडियो सबको दिखाया गया था। उस वीडियो में दाऊद दिख रहा था, एक इंसान जिसकी हल्की दाढ़ी थी और आंखों पर चश्मा। उस खास वीडियो में दाऊद इब्राहिम ने मरून रंग का पठानी सूट पहना हुआ था। कराची में लोग दाऊद इब्राहिम को सुल्तान शाह के नाम से जानते हैं। हर शाम वो 4 से 6 बजे के बीच कराची के 105/2 डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी के मेस में जाता था। ये मेस पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड फौजियों की है। उस शाम यानी 13 सितंबर 2013 को भी वो अपने मर्सिडीज एस क्लास कार में सवार होकर निकला और ठीक उसके पीछे एक लेक्सस कार उसे एस्कॉर्ट करते हुए मेस के लिए रवाना हो गई। भारतीय खुफिया एजेंसी के प्लान के मुताबिक 9 सुपर बॉयज पूरे रास्ते में फैल गए।
दाऊद के कराची के क्लिफ्टन रोड के घर से ये मेस तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर थी। वो मेस जहां दाऊद रोज शाम 4 से 6 के बीच जाता था। खुफिया विभाग के सूत्रों के मुताबिक आईबीएन 7 को पता चला है कि कराची की इसी मेस के रास्ते में शाह अब्दुल्ला गाजी दरगाह पड़ती है। इस दरगाह के आसपास के इलाके को ही हमले के लिए चुना गया। सूत्रों के मुताबिक दाऊद को मारने के प्लान के तहत ये फैसला लिया गया कि उसे शाह अब्दुल्ला गाजी के दरगाह के रास्ते में ही गोली मारी जाए, क्योंकि यहाँ काफी सन्नाटा रहता था, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं, बचकर भागने की उम्मीद बेहद कम। दाऊद घर से निकल चुका था और सूत्रों के मुताबिक भारत के खुफिया एजेंट्स उसकी मौत के इंतजाम में जुटे थे। दाऊद के बचने का चांस न के बराबर, लेकिन आईबीएन 7 को खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उसी वक्त एक चौंकाने वाला वाकया हुआ। ये 9 सुपर बॉय अपनी पोजीशन ले चुके थे, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, बस इंतजार था तो बस एक ऑर्डर का। लेकिन तभी वो हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। इन एजेंटों के सुपर बॉस के पास एक फोन कॉल आया। हालांकि आईबीएन 7 को इस फोन से जुड़ी ज्यादा जानकारी तो नहीं मिल पाई, लेकिन सूत्रों की माने तो इस फोन कॉल के बाद इस पूरे ऑपरेशन को वहीं खत्म कर दिया गया। भारत के दुश्मन नंबर 1 के बेहद करीब पहुंचने के बावजूद उसे मारने का ऑपरेशन एक रहस्यमय फोन कॉल के बाद खत्म कर दिया गया। आखिर क्या वजह थी इस ऑपरेशन को खत्म करने की? आखिर ये फोन कॉल किसका था? क्या ये ऑपरेशन लीक हो चुका था? क्या इसकी जानकारी बाहर आ चुकी थी या फिर कोई और दूसरी बात थी? आईबीएन 7 को खुफिया सूत्रों से मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक इस ऑपरेशन के खात्मे की खबर जरूर दाऊद इब्राहिम तक जा पहुंची, और इसी के बाद वो डरा और उसने कराची के अपने ठिकाने त्यागने का फैसला कर लिया। आनन फानन दाऊद का अड्डा बदल दिया गया। दाऊद जिंदा है, भारत का दुश्मन नंबर 1 13 सितंबर 2013 को मार दिया जाता अगर उसे मारने के मिशन में जुटे 9 एजेंट्स के पास एक फोन कॉल नहीं आता। ये कोई नहीं जानता कि आखिर इस रहस्यमय फोन कॉल के बाद दाऊद को मारने का मिशन क्यों खत्म हो गया, लेकिन आज भी ये सच्चाई हमें मुंह चिढ़ा रही है कि दाऊद अब तक जिंदा है और भारत उसको टर्मिनेट करने यानी उसको मारने के अपने मिशन को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाया है। दिल्ली से आलोक वर्मा के साथ निशाद शमसी, मुंबई, आईबीएन 7। तो बिल्कुल ऑपरेशन दाऊद किल में दाऊद तक पहुंच चुकी थी हमारी एजेंसियां। किसी भी वक्त वो मोमेंट आ सकता था जब दाऊद को सरेआम मार दिया गया होता, लेकिन एक फोन कॉल, एक ट्रिन ट्रिन की घंटी और दाऊद बच निकला। ये भी एक बड़ी जांच का विषय है, बड़ी बहस का विषय है, बड़ी जानकारी का विषय है कि वो फोन कॉल किसकी थी, क्यों थी। हालांकि इस बारे में और जानकारी अभी सूत्रों से नहीं मिल पाई है, लेकिन ये बात बिल्कुल पुख्ता है जो बात निशात शमसी ने अपनी रिपोर्ट में दिखाई कि दाऊद तक हमारी एजेंसियां पहुंच गई थी और 13 सितंबर पिछले साल वो तारीख थी जब उसकी मौत लगभग मुकर्रर हो चुकी थी। निशात मेरे साथ हैं, पूरा पैनल मेरे साथ है। निशात, मैं आपसे पूछना चाहूंगा सबसे पहले तो बात कि 13 सितंबर 2013 ही क्यों, कोई खास वजह से उस तारीख को चुना गया, क्या वजह थी? बिल्कुल देखिए सुमित, ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर इस तारीख को क्यों चुना गया, लेकिन देखिए जो पूरा ऑपरेशन है इसके लिए जो एजेंसी है उसने तकरीबन 1 साल तक पूरा काम किया था। मार्च महीने में क्लिफ्टन के जिस इलाके में दाऊद रहता था वहां पर लोगों को पेनिट्रेट किया गया, वहां पर अपने लोगों को सेट किया गया और उसके जरिए ये जानकारी जुटानी शुरू की गई कि आखिर दाऊद का पूरा मूवमेंट कैसे होता है। हालांकि जो सूत्र हमारे हैं उनका साफ तौर से कहना है कि वो इस बात की तस्दीक नहीं करना चाहते कि आखिर इस पूरे काम में कौन कौन लोग थे और किस तरह से इस पूरे साजिश को, ये पूरी प्लानिंग को अंजाम तक पहुंचाना था। लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए रॉन बजाबता दुनिया भर में जिनके सुपर एजेंट्स हैं उनको इसमें लगाया था, कई ऐसे थर्ड पार्टी भी मैं जिक्र करूंगा कि उनको भी इस काम में साथ में लिया गया था ताकि बतौर असासिन इस काम को पूरा काम वो अंजाम तक पहुंचा सके। जो ये पूरी प्लानिंग थी तकरीबन मार्च महीने में शुरू हुई, ऑफिशियली कहें तो उस वक्त शुरू हुई और उसके बाद लगातार जो टीम थी इसको फॉलो करता रहा, हर वक्त हर लम्हा उसके बारे में जो जानकारी थी वो जुटाई गई। जिस इलाके में दाऊद रहता है वो बेहद सुरक्षित इलाका है और पहली बार जब इस टीम का एक सदस्य वहां पर घूमता दिखाई दिया था तो पहली बार ही उसे रोक लिया गया था कि आखिर वो यहां पर क्या कर रहा है और सीधे तौर पर उससे पूछताछ की गई और बतौर टूरिस्ट उसे ये कहकर उसको अपने आप को बचाना पड़ा और फिर वहां से वो निकल पाया। तो लेकिन अब ये पूरी जांच का विषय है कि आखिर आखिरी वक्त में ऐसा क्या हुआ कि इस तरह से टीम वापस लौट आई। सुमित राजर भगत साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जानना चाहूंगा,
अगर उस दिन दाऊद मार दिया गया होता, दाऊद को खत्म कर दिया गया होता, तो उसका क्या असर होता, क्या फायदा हो सकता था हिंदुस्तान को? राजन भगत साहब, अरुण भगत साहब माफ करिएगा, अरुण भगत जी माफ करिएगा, क्या फायदा होता हिंदुस्तान को? आलोक बंसल, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा यही सवाल कि उस दिन अगर दाऊद को मार दिया होता तो क्या फायदा होता, क्या हो सकता था? देखिए, इससे बहुत बड़ी चीज होती है। एक तो पूरी दुनिया में ये बात स्थापित हो जाती कि भारत के जो विरोधी हैं वो कहीं छुप के भारत विरोधी अपना जो अभियान है वो नहीं चला सकते, और ये स्टैब्लिश कर देता पूरे विश्व में कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो अपने विरोधियों को दुनिया के किसी भी कोने में नहीं छोड़ेगा। जैसे कि इसराइल के बारे में ये प्रख्यात है कि अगर इसराइल के विरोधी हैं, चाहे वो आइशमैन हो, चाहे उसको लैटिन अमेरिका से स्थापित करना पड़ा हो या कहीं और जाके किसी की वो करना पड़ा हो, तो इसराइल ने अपने विरोधियों की जो हत्या की है वो दुनिया के किसी भी कोने में की है। और दाऊद इब्राहिम जो है भारत विरोधी षड्यंत्र कराची से काफी समय से चला रहा है, और ये सबको मालूम है, उसकी बेटी की शादी हुई और जिस तरीके की घटनाएं हुई ये सारी पूरी मीडिया ग्लेयर में हुई, और उसके बावजूद भारत उसके विरुद्ध कुछ नहीं कर पाया। तो ये काफी हद तक भारत की एक जो दुनिया के राष्ट्रों के सामने ऐसा लगता है कि भारत एक सॉफ्ट स्टेट है, कमजोर स्टेट है, जो अपने विरोधियों के खिलाफ कुछ करने कर नहीं पा रहा है। अरुण भगत जी, मैं अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं जानना चाहूंगा आपसे, मोसाद की मदद ली गई थी, बाकायदा 9 एजेंट्स थे, जो जानकारी निषाद हमको दे रहे हैं कि बाहर के लोगों को भी लगाया गया था, कुछ लोग हायर भी किए गए थे इस पूरे ऑपरेशन को लेकर, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें पता नहीं बुनियादी बात कितनी है, हकीकत कितनी है और कल्पना कितना है, मैं इसमें क्या कमेंट करूं। ये आपकी स्टोरी है, आप जानते हैं इसमें कितनी असलियत है। और जहां तक मैं समझता हूं कि भारतवर्ष ने ऐसा कार्य कभी पहले किया नहीं था, और कोई नई पॉलिसी यदि आ गई है तो उसकी मुझे जानकारी नहीं है। चलिए भगत साहब, अगर आपके पास जानकारी नहीं, शायद यही इन्वेस्टिगेशन का सबसे अच्छा वो होता है कि हर रोज नई नई चीजें जुड़ती जाती हैं, आदमी सीखता है और उन सीख कर ही नई इंफॉर्मेशन के आधार पर ही नई स्ट्रेटेजी बनाता है। जैसे कि टेररिस्ट अपने तरीकों को बदलते रहते हैं, आतंकवादी अंडरवर्ल्ड के लोग अपने तरीकों को बदलते रहते हैं। बालाकृष्णन, एक क्विक कमेंट मैं आपसे लूंगा ब्रेक में जाने के पहले, दाऊद इब्राहिम हमारे शिकंजे में था जी, कितनी बड़ी कामयाबी होती वो? जी जी जी, देखिए, मैं सबसे पहले आईबीएन चैनल को मैं तारीफ करना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इतने बड़े एक वर्ल्ड स्कोप आपने किया है, तो ये काबिले तारीफ है। और अगर 13 सितंबर 2013 में अगर वो अंजाम तक पहुंचता ऑपरेशन किल दाऊद, तो हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होता। आप जानते होंगे कि जब भी तब का जो केंद्रीय होम मिनिस्टर थे शिंदे जी, सुशील कुमार शिंदे जी, उसने ओपन स्टेटमेंट किया था कि अमेरिका की मदद लेके हम दाऊद के पीछे हम पड़ेंगे। शायद उसके एक फॉलोअप के तौर पर ये जो ऑपरेशन किल दाऊद सितंबर में किया गया। लेकिन मेन बात यह है कि कौन व्यक्ति था जिसने फोन करके इस ऑपरेशन को रोका है। बिल्कुल, मेरा इंफॉर्मेशन ऐसा है कि दाऊद का पहुंच जो है यूनियन होम मिनिस्टर में, उनके मोल्स वहां पे बैठे हैं, क्योंकि वो वहां से पूरा जो इनके खिलाफ जितने भी ऑपरेशन है इनका इंटरेस्ट के लिए वो काम करते हैं। और ये जो ये टॉप सीक्रेट ऑपरेशन जो है किल दाऊद का, वो लीक हो चुका था और उसको बचाने के लिए, तो इसके पीछे जरूर एक बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। और ये जो ऑपरेशन स्कॉच किया गया, अबॉर्ट किया गया, शायद कुछ पैसे के लेन देन के बाद, क्योंकि उसके पिछले कुछ एक दो महीने के बाद कि भारत में चुनाव होने वाले थी, शायद क्या उनके साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज हुआ डी कंपनी के साथ, तो इसके बारे में ये जो नया सरकार जो है मोदी साहब का सरकार जो है इसके बारे में इंक्वायरी करना बहुत ही जरूरी है। और जो मोल जितने भी बैठे हैं यूनियन होम मिनिस्ट्री में, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं बाला, आपको एक्सपोज करना, माफ करिएगा बालकृष्ण जी, मैं आपको बाला कह के पुकार रहा हूं क्योंकि सारी दुनिया आपको बाला के नाम से ही जानती है, खासकर वो लोग जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में रहे हैं, जो अंडरवर्ल्ड पे काम करते रहे। बाला जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं कि हिंदुस्तान की होम मिनिस्ट्री में
बहुत से ऐसे जासूस हैं, मोल्स हैं जो दाऊद के लिए काम कर रहे हैं। शायद वो फोन की घंटी उन्हीं में से किसी की हो, कुछ पैसों को लेकर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हमारे हाथ से उस वक्त निकल गया, पूरा ऑपरेशन फेल हो गया। मैं आऊंगा, हमारे तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर आपका आईबीएन 7 में स्वागत है। आप देख रहे हैं ऑपरेशन किल दाऊद, अब तक का सबसे बड़ा वर्ल्ड एक्सक्लूसिव। दाऊद इब्राहिम तक हमारी एजेंसियां ना सिर्फ लगातार जिन पर इल्जाम लगता है कि दाऊद इब्राहिम को मारने की कोई योजना नहीं बनती, लेकिन एक तारीख बाकायदा डंके की चोट पर इस वक्त आईबीएन 7 बता रहा है कि पिछले साल 13 सितंबर 2013 को दाऊद को मारने की, दाऊद को उड़ा देने की पूरी तैयारियां भारतीय एजेंसी रॉ ने कर ली थी। मोसाद की बजट से ट्रेनिंग दी गई थी और यह ट्रेनिंग भारत के 9 सुपर बॉयज जो कि 9 एजेंट थे रॉ के, उनको दी गई थी। बाकायदा एक साल की ट्रेनिंग के बाद इन खास एजेंट्स को तैयार किया था दाऊद इब्राहिम तक पहुंचने के लिए। मैं आपको बता दूं कि दाऊद इब्राहिम को मारने के लिए जो पूरी की पूरी तैयारी की गई थी मोसाद की मदद से, उसमें यह लगभग तय हो चुका था कि दाऊद को किस वक्त और किस तरीके से मारना है। दाऊद को मारने को लेकर बाकायदा उसके फोटोग्राफ ले लिए गए थे, उसके वीडियो बना लिए गए थे, उसके मूवमेंट्स की पल पल की जानकारी ले ली गई थी, जैसा कि आप किसी भी बड़ी जासूसी फिल्म में, जेम्स बॉन्ड की फिल्म में देखते हैं। लेकिन यह कहानी कतई भी फिल्मी नहीं है, यह रियल कहानी है। असलियत में भारतीय एजेंसियां दाऊद इब्राहिम तक पाकिस्तान में रहते हुए भी पहुंच चुकी थी, वहीं कराची में उसको खत्म कर देने का उनका प्लान था। लेकिन ठीक एन मौके पर जिस दिन इस ऑपरेशन को अंजाम देना था, कहीं कोई घटना घटती है जिसके बाद एक फोन कॉल आती है और उस ऑपरेशन को रोक दिया जाता है। जैसा कि खोजी पत्रकार हमारे साथ है एस बालाकृष्णन, बता रहे हैं कि दाऊद के बहुत से लोग भारतीय होम मिनिस्ट्री में मोल के तौर पर, जासूस के तौर पर पैसों के लिए काम कर रहे हैं। हो सकता है कि ये जानकारी उन्होंने ही लीक की हो, क्योंकि उस वक्त की जो सरकार थी वो चुनाव में जाने वाली थी, उसके खिलाफ एंटी कांग्रेस का माहौल देश भर में बना हुआ था, और अगर वो दाऊद को उस दिन वो मार देते तो शायद उनके पक्ष में ऐसी हवा बह सकती थी जो चुनावों में उनको जीत भी दिला सकती थी। लेकिन ऐसा होने नहीं दिया गया, कुछ खास लोगों ने अपने खास इंटरेस्ट के चलते दाऊद को बचा लिया। क्या हुआ था दाऊद के लिए, दाऊद को मारने को लेकर कराची की सड़कों पर क्या पूरी प्लानिंग थी, कैसे दाऊद तक हमारी एजेंसी पहुंच रही थी, देखिए इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं, जैसे कि हम आपको लगातार बोलते आ रहे हैं। निशात, मैं एक चीज जानना चाहूंगा आपसे, आलोक वर्मा आऊं उसके पहले, निशात शमसी की रिपोर्ट है, क्या एजेंसियां उसको अगर सफल होती अपने ऑपरेशन में, तो क्या ये कामयाबी का सेहरा अपने सिर पर बांधने की भी तैयारी थी, या सिर्फ ये कह दिया जाता कि ये कोई गैंगवॉर था या किसी वजह से उसको मार दिया या ये पर्सनल रंजिश थी, क्या तैयारी थी उसके आगे की, क्योंकि इसका सीधा फायदा चुनावों में मिल सकता था। बिल्कुल सुमित, देखिए जो एजेंसी थी वो इसका जो सेहरा है वो अपने सर पे लेती है नहीं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी भी वो इस पूरे ऑपरेशन से जुड़ी कई सारी बातें जो हैं वो खुलकर बताना नहीं चाहती। देखिए आखिरी मौके पर ये पूरा ऑपरेशन विड्रॉ किया गया, लेकिन जो प्लानिंग थी वो काफ़ी पहले से की जा रही थी। तय था कि वो जो तीसरी एजेंसी है उसकी मदद से खास तौर से कुछ लोगों को साथ में लाया गया था, या कह सकते हैं जो बतौर डबल एजेंट वहां पर काम कर रहे थे उनको साथ में लाकर इस पूरे काम को अंजाम तक पहुंचाना था। लेकिन क्या इस पूरे ऑपरेशन के बाद भारतीय एजेंसियां इस बात को कबूल करती कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ है, जो सड़क पर वहां पर गोलीबारी हुई है वो भारतीय एजेंसियों के द्वारा हुई है, शायद ये मुमकिन नहीं था, वो शायद इस बात को नहीं मानती, और यही वजह थी कि जो तीसरी पार्टी थी उसको साथ में इसमें इन्वॉल्व किया गया था, ताकि अगर ये पूरा ऑपरेशन कामयाब रहे तो सीधे तौर पर इसे गैंगवॉर का या फिर दूसरी वजह बताकर इसे अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, आखिरी वक्त में ये पूरा ऑपरेशन जो है विड्रॉ करना पड़ा। जी आलोक हमारे साथ है, मेरे सहयोगी आलोक वर्मा, आलोक हालांकि दो दो आलोक है इस पैनल में, आलोक बंसल भी है, आलोक वर्मा भी है, लेकिन आलोक वर्मा मैं आपके पास आना चाहूंगा, जो बात वरिष्ठ पत्रकार एस बालाकृष्णन बोल रहे थे आलोक कि भारतीय होम मिनिस्ट्री में, भारतीय खुफिया एजेंसियों में बहुत से लोग हैं जो शायद दाऊद इब्राहिम के पेरोल पे हैं, उसके जासूस हैं, उसके मोल्स हैं, इस बात में कितना दम है, क्योंकि आप तो दिल्ली में हैं, अक्सर इन अधिकारियों से इस तरह की चीजों को आप कवर करते रहते हैं, क्या इस बात में कोई दम है?
देखिए सुमित, जाहिर तौर पे अभी तक जो जानकारियां खुफिया एजेंसियों के पास हैं, जो दिल्ली में खुफिया एजेंसियों के आला अधिकारी हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये शक जाहिर किया जाता है हमेशा, जो अभी शक जाहिर किया गया कि उसके मोल जो हैं वो होम मिनिस्ट्री में है या किसी खुफिया एजेंसी में है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी तक इस तरह का कोई आइडेंटिफाई नहीं हुआ है या किसी तरह का डिटेक्शन नहीं हुआ है या किसी तरह की कोई रिपोर्ट नहीं बनी है किसी अधिकारी के विरोध में, खिलाफ में, कि वो उसकी इंटीग्रिटी डाउटफुल मानी जाए और उसको कहीं पकड़ा गया हो लाइव तौर पे या सीधे तौर पे कि वो दाऊद से मिला हुआ है या किसी अंडरवर्ल्ड के लिए मदद कर रहा हो। लेकिन हाँ, ये शक जरूर जाहिर किया जाता है अधिकारियों के बीच में, अधिकारियों की गैलरी में, जब जब दाऊद की बात होती है और जब जब इस तरह की बातें होती हैं, तब यही नहीं, यहाँ से लेकर मुंबई तक के जो खुफिया अधिकारी काम कर रहे हैं उनमें माना जाता है ऐसा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो दाऊद के प्रति सहानुभूति रखते हैं। बिल्कुल आलोक बंसल, मैं अब आपके पास आपसे पूछना चाहूंगा, मोसाद की मदद ली गई, आपको याद होगा जो बात बालाकृष्णन भी कह रहे थे कि अमेरिका के साथ मिलकर दाऊद तक पहुंचने का प्लान चल रहा था। मोसाद और CIA बड़े क्लोज नेट में काम भी करते रहे, ऐसे तमाम रिकॉर्ड्स भी ऑफिशियली भी। मोसाद की मदद ही क्यों, मोसाद ही क्यों चुनी एजेंसियों ने कि मोसाद की मदद से आप दाऊद तक पहुंच सकते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा सक्षम इस तरीके के जो ऑपरेशन हैं उसमें मोसाद ही रही है। अगर आप देखें, इसराइलीज ने दुनिया के हर कोने में जाके इस तरीके के ऑपरेशन किए हैं, और तो और ऑपरेशन एंटेबे जिसमें वो गए, तो इस तरीके के भी ऑपरेशन किए जहां वो हवाई जहाज से बिल्कुल होस्टाइल एयरफील्ड में लैंड करके उन्होंने इस तरीके का। तो अगर आपको किसी को चुनना होगा तो आप उसको चुनने की कोशिश करेंगे जो सबसे ज्यादा सक्षम है, और इसराइलीज जो है इस वक्त इस फील्ड में सबसे ज्यादा सक्षम है और उनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज है। और जो है, अगर हमें किसी के साथ सहयोग करना है तो वही एक राष्ट्र है, और वो एक ऐसा राष्ट्र है जो पाकिस्तान से चिंतित भी है, पाकिस्तान के परमाणु हथियारों से, पाकिस्तान की जो राजनीतिक मंशा है और पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से इस्लामिक कट्टरपंथ बढ़ रहा है उसका असर इसराइल के और भारत और इसराइल के बीच बीते हुए सालों में दोस्ती भी काफी बड़ी है। लोग आपस में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है, टेक्नोलॉजी शेयरिंग हो रही है, आपस में ज्वाइंट एक्सरसाइजेज हो रही है। जहां तक रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र हैं, भारत और इसराइल के बीच में काफी मधुर संबंध रहे हैं पिछले कुछ समय से, और डिफेंस कोऑपरेशन जिसे हम कहते हैं उसमें काफी ज्यादा है, विशेषकर तकनीकी क्षेत्र में हम काफी इक्विपमेंट और काफी ट्रेनिंग और एक्सपर्टीज हम इनसे गेन करने की कोशिश करते रहे हैं। और तो इसराइल के साथ सहयोग करना तो स्वाभाविक था, क्योंकि ये एक बड़ा ही गंभीर मुद्दा था, क्योंकि अगर आप समझ सकते हैं कि अगर कोई पकड़ा जाता या अगर मान लीजिए ये ऑपरेशन विफल होता तो इसके राजनीतिक रिपरकशंस जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे वो बहुत बड़े हो सकते थे, और इसीलिए इसको इस तरीके से प्रशिक्षण की आवश्यकता थी कि जिसमें फेलियर की चांस ना हो। और बिल्कुल, हम लोग वहां तक पहुंच भी गए थे, वो फोन कॉल अगर नहीं आती तो शायद आज दाऊद नहीं होता। बालाकृष्णन साहब, कहानी देखकर पढ़कर लगती है किसी उपन्यास की कहानी है, किसी एक जासूसी उपन्यास को हम पढ़ रहे हैं, किसी फिल्म की स्क्रिप्ट को हम देख रहे हैं, किसी फिल्म के ट्रेलर को हम देख रहे हैं, लेकिन वाकई में कहानी में दम नजर आता है। जो जानकारी निशात ने हमको पहुंचाई है, IBN 7 इसकी पूरी तरीके से इस खबर की तस्दीक भी करता है। लेकिन मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, क्या ऐसे कौन से लोग हैं जो दाऊद को बचाना चाहते हैं? क्या वो हमारे, आपने इशारा किया कि वो होम मिनिस्ट्री में, क्या वो केवल ब्यूरोक्रेसी तक शामिल है या वो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर भी घुसे हुए हैं? जी, कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में है, मुंबई पुलिस में भी है, और ये यूनियन होम मिनिस्ट्री है वहां भी है। एक एक स्पेसिफिक घटना में के ऊपर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। कुछ साल पहले अजीत डोवल जी, जो अभी आज हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, ये सबसे एक टॉप एक काउंटर इंटेलिजेंस एक्सपर्ट है और बहुत ही ये हाईली रिस्पेक्टेड इंटेलिजेंस ऑफिसर है, उनको मुंबई पुलिस का एक टीम दिल्ली में वहां पे डिटेन किया गया। विके मल्होत्रा के पीछे ये लोग पड़े थे, लेकिन साथ में वो लोग ने अजीत डोवल साहब जैसे, डोवल साहब ने बताया कि मैं कौन हूं, उनका क्या है आइडेंटिटी बताओ, उसके बावजूद भी उनको डिटेन किया गया। तो ये कौन तमाम ऑफिसर थे मुंबई में जिसके ऑर्डर के ऊपर ओलेग डोवल साहब का वहां पे दिल्ली में डिटेन किया गया, इसका पूरा ये इंक्वायरी ना बहुत जरूरी है। और उसमें से एक एक सीनियर IPS ऑफिसर एक बहुत बड़े पोस्ट में है महाराष्ट्र पुलिस में, उनके खिलाफ क्यों नहीं इंक्वायरी वो हो रहा है?
तो ये जो है, ये जो कड़ी जो है, ये पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट से लेके ब्यूरोक्रेसी से लेके और पुलिस के अंदर भी एक बहुत बड़ा एक गैंग है जिनको तमाम पैसे मिलता है डी कंपनी से, और डी कंपनी को इनका सिर्फ एक ही वन पॉइंट एजेंडा ये है कि डी कंपनी को किसी हालत में बचाए। और दूसरी बात यह कि डी कंपनी का जो आर्थिक जो बुनियाद जो है बॉम्बे में, एक बहुत बड़ा टॉप बिल्डर है, उनका पार्टनर है, सब लोग जानते हैं कितने लाखों स्क्वायर फीट का उनका डेवलपमेंट बॉम्बे में आज के तारीख में हो रहा है, शेयर बाजार में उनका इन्वेस्टमेंट जबरदस्त है, और आईटी में उनका इन्वेस्टमेंट है, और अगर सरकार चाहे तो एक दिन के अंदर इनका जो जितने तमाम जो आर्थिक जो बुनियाद जो है, नींव जो है बॉम्बे में, उसको के खत्म कर सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं खास तौर पर होम मिनिस्ट्री में और मुंबई पुलिस में जो इसको रोक रहे हैं। तो अभी जो नया जो सरकार जो आया है, इनको सबसे पहला करना है कि उनके जो आर्थिक जो यहाँ पे जो बल जो है बॉम्बे में, बिल्कुल जो उनके इकोनॉमिक विंग्स हैं उस पर जो कर्टेल करने वाला। जी मैं आऊंगा आपके साथ, आप रहिए मेरे साथ, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, क्योंकि ब्रेक के उस पार जब हाजिर होंगे तो कैसे आगे जो नई सरकार है उसको बढ़ना चाहिए, क्या अब महाराष्ट्र में भी नई सरकार बन चुकी है बीजेपी की सरकार, दिल्ली में भी नई सरकार बन चुकी है बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, अजीत डोवल जिसके सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, तो क्या अब वो कामयाबी, वो कोशिश की जा सकती है एक बार फिर से। तो देख रहे हैं आप आईबीएन 7 पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव पहला सबसे बड़ा स्कूप कि दाऊद इब्राहिम भारतीय एजेंसियों के कैद में था, उसके शिकंजे में था, सिर्फ एक गोली चलनी बाकी थी लेकिन उसको एन मौके पर रोक दिया गया। आलोक बंसल, ये कामयाबी है कि नाकामयाबी है? देखिए कारण किस कारण रोका गया इसके ऊपर ये निर्भर करता है कि कामयाबी है कि नाकामयाबी है। पहली चीज तो इस तरीके की प्लानिंग की गई है, बड़ी कामयाबी की बात है, लेकिन नाकामयाबी है क्योंकि उस इतने पास पहुंच के कुछ नहीं किया गया। अगर आपकी रिपोर्ट सच है, एक कारण यह भी हो सकता है कि सितंबर 2013 में कराची शहर में पाकिस्तान के रेंजर्स ने ऑपरेशन शुरू किया और जो अभी भी चल रहा है, तो हो सकता है चूंकि रेंजर्स का ऑपरेशन उसी टाइम शुरू हुआ ये सोचा हो कि शायद इससे खतरा बढ़ गया है, क्योंकि कराची के अंदर जिस तरीके की टर्बुलेंस काफी समय से चल रही है, वहां पे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, वहां सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट है, वहां अंडरवर्ल्ड के वॉर्स चल रहे हैं जिस तरीके से हमारे यहां चलते थे किसी जमाने में, वो वैसे वहां पे लियारी वगैरह में वॉर्स चल रहे हैं, तो इस एनवायरमेंट में इस तरीके की हमला करना बड़ा संभव था। लेकिन हो सकता है कि चूंकि सितंबर में पाकिस्तान रेंजर्स का ऑपरेशन शुरू हुआ इस कारण किसी कारण से रोक दिया हो या कोई अन्य राजनीतिक कारण हो, तो ये इसके ऊपर निर्भर करता है कि सफलता इसको, लेकिन जांच का विषय जांच, जैसे कि बाला ने भी कहा कि इस पर पता लगना चाहिए कि आखिर वो फोन कॉल किसकी थी, इस पर जांच होनी चाहिए। लेकिन बाला एक लास्ट कमेंट में आपका जरूर चाहूंगा, एस्टेब्लिशमेंट चेंज हो चुका है दिल्ली में भी मुंबई में भी, सरकार बदल चुकी है, क्या उम्मीद है अब आपको, क्या ऐसा ऑपरेशन जो अंजाम तक पहुंचे हो सकता है अब? देखिए जब तक अजीत डोवल साहब हैं हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, मुझे पूरा उम्मीद है कि हम डी कंपनी के खिलाफ जबरदस्त एक्शन लेंगे, और ये एक कुछ महीनों की बात है जिसके पहले हम के डी को न्यूट्रलाइज करें पाकिस्तान में जहां भी हो। हमारे जो आरएडब्ल्यू में बहुत सारे होनहार ऑपरेटिव्स हैं, बहुत ही केपेबल है, हाईली ट्रेंड है, हाईली मोटिवेटेड है, और अभी का सरकार जो है कि आप देखा होगा कि मोदी साहब ने कि चुनाव के कैंपेन के दौरे उसने स्पेसिफिक उसने ये देश के सामने आश्वासन दिया है कि वो दाऊद इब्राहिम को किसी भी हालत में उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। अभी देखना है कि कब कैसे किस ढंग से वो करेंगे, लेकिन डोवल साहब जैसे एक टॉप जो इंटेलिजेंस ऑफिसर है, अभी हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, तो उनके लीडरशिप में जरूर हम इसका जो प्लान जो है उसको हम अंजाम दे सकते हैं। लेकिन साथ में मैं ये भी कहूंगा कि डी कंपनी के साथ में जितने भी जुड़े हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं जिससे उनका फायदा होता है ड्रग्स में, अभी आप देखिए हाल ही में कि रेड सैंडर्स का स्मगलिंग जो है कितने खुलेआम बॉम्बे के पोर्ट में से डॉक्स ये में बहुत से जरूरी है। दाऊद इब्राहिम के अगर पर कतरने हैं तो दाऊद इब्राहिम के पास जो पैसा आता है इस अंडरवर्ल्ड को चलाने के लिए उस पर लगाम लगानी बहुत जरूरी है। आलोक वर्मा, मैं एक कमेंट आपका जरूर चाहूंगा इसके पहले कि इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने का वक्त हो, अब आगे क्या?
देखिए सुमित, जैसा कि बालाजी ने अभी बताया, बिल्कुल सही बात है कि यहाँ के खुफिया एजेंसियों में उस समय 2013 में जैसा भी ऑपरेशन हुआ हो, नाकाम कहें या उसको किसी वजह से रोक देना कहें, लेकिन फिर से खुफिया एजेंसी की गलियारों में बड़ी तेजी से हलचल है। और दाऊद के बारे में, डी कंपनी के बारे में हर छोटी से छोटी जानकारी एक खास अफसरों के ग्रुप को समझाई जा रही है। और यही मेरी रिपोर्ट है जिसमें मैंने ये सब बताया कि कौन कौन सी जानकारियां खुफिया एजेंसी ने जुटाई है और उसको किस तरह। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरी उस रिपोर्ट को दिखाइएगा आलोक का। बस इससे अगले सेगमेंट में आलोक वर्मा की वो रिपोर्ट जहां दाऊद के रहन सहन की जो खुफिया नई जानकारियां मिली है एजेंसीज को इस नए एस्टेब्लिशमेंट के आने के बाद, वो हम दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन आलोक बंसल, एक क्विक कमेंट आपका जी आने के पहले। मैं सर ये कहना चाह रहा था कि बालाजी ने रेड सैंडलवुड की बात कही, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जो रेड सैंडलवुड एप्रिहेंड हुआ और उसके बाद उसका ऑक्शन हुआ, ऐसी रिपोर्ट है कि कुछ ऐसे लोग जो आतंक को फंड करते हैं उनकी फ्रंट कंपनी ने इसे खरीदा है और इसके द्वारा इसकी फंडिंग हो सकती है। तो इसके लिए आप मेरे ख्याल से बालाजी से पूछिए, वो शायद कुछ ज्यादा जानकारी दे पाए आपको। ये बहुत महत्वपूर्ण, मैं पूछूंगा। अगर आप लोग के पास वक्त हो तो आप रुकिएगा मेरे साथ, लेकिन मुझे बताया गया कि आप लोग इसी वक्त तक मेरे साथ हैं।